नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। इस वक्त उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर आ रही है ये कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे कि बताया जा रहा है अतीक अहमद की तबीयत जब से उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है तब से नासाज हो रही थी, उसी में उत्तर प्रदेश पुलिस उनको प्रयागराज मेडिकल कॉलेज उनका मेडिकल कराने गई थी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाहरी लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी है, 10 राउंड फायरिंग हुई है, पुलिस से उसमें मुठभेड़ भी हुई है, उसमें बताया ये भी जा रहा है कि अभी 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इस वक्त की ये खबर है कि अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो पॉलिसी थी, जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म करना चाहती थी, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस के घेरे में, पुलिस की साफ होकर के उस पर कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस तरीके से उसके बेटे और उसके साथी का एनकाउंटर किया गया, उसमें कहीं ना कहीं पूरा परिवार परेशान था, पूरी तरीके से परिवार का जो परिवार पे जो दुखों का पहाड़ था वो टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ जो उसके अपराधों से लोग वहां परेशान थे, जो उसके कार्यकारिणी से लोग परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं खुशी की भी लहर दौड़ी है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। इस समय अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।